आज हमारा टॉपिक है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। मिक्सिंग के डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, मिक्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मिक्सर, कितने टाइप के मिक्सर होते हैं, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ सॉलिड कितने टाइप की होती है, उसके बाद टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सर, टाइप ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सर और टाइप ऑफ पाउडर मिक्सर के बारे में जनरल ओवरव्यू हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मिक्सिंग को अगर डिफाइन करने की बात करते हैं, तो मिक्सिंग दो या दो से अधिक सब्सटेंस को ऐसे मिक्स किया जाता है। डेफिनेशन, मिक्सिंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के पार्टिकल एक दूसरे के अधिक से अधिक क्लोज आ जाते हैं। मीन्स मिक्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक पदार्थ के पार्टिकल दूसरे पदार्थ के पार्टिकल के अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। जो परफेक्ट मिक्सिंग है वो कभी भी अरेंज आपको अचीव नहीं होती, क्योंकि जब दो पाउडर को आप मिक्स करते हो तो ये दोनों पाउडर आपके दोनों पाउडर के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली अरेंज रहते हैं। तो मिक्सिंग को अगर एक बार और बात करें, मिक्सिंग कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। मीन्स मिक्सिंग में एक पदार्थ के पार्टिकल दूसरे पदार्थ के पार्टिकल के अधिक से अधिक कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। अब अगर बात करते हैं डेफिनेशन के, तो मिक्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के पार्टिकल्स एक दूसरे के अधिक से अधिक क्लोज आ जाते हैं। आइडियली मिक्सिंग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो दो या दो से अधिक पदार्थों का एडमिक्सर बनाने, जिसमें जो पार्टिकल आप मिक्स कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। जैसे आप टेबलेट बनाने में बहुत सारे जो एक्सिपिएंट के पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं एक्टिव ड्रग के साथ, वो आपका एडमिक्सर है। उसके बाद एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करने में जो एक दूसरे में इमिसिबल, मीन्स पहला क्या था, एडमिक्सर बनाने में जिसमें उस पार्टिकल की फिजिकल स्टेट बची रहती है, उसी फिजिकल स्टेट में वो मिक्स हो जाते हैं। दूसरे में क्या है कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है जो आपस में इमिसिबल होते हैं, जैसे आपका इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया और आपका पेस्ट हो गया। उसके बाद चार्जिंग ऑफ फिजिकल स्टेट बाय मिक्सिंग इट विद सब्सटेंस ऑफ अदर स्टेट। अब अगर किसी सब्सटेंस को एक फेज में से दूसरी फेज में मिक्स किया जाए, जैसे किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो है सॉलिड विल ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू ए सॉल्यूशन स्टेट। दूसरा, दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करने में, एग्जांपल पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सुटेबल बफरिंग एजेंट, मींस उसका आपने क्या किया, उसकी पीएच को चेंज, न्यूट्रल मिक्सर। सबसे पहले पॉजिटिव मिक्सर क्या होते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मिक्सर है जो मिसिबल लिक्विड से बनते हैं, इसमें आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती,
आसानी से, और इनमें मिक्स होने की जो मैकेनिज्म है वो आपकी डिफ्यूजन होती है। और इनकी मिक्सिंग की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इनकी मिक्सिंग इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब जब ये एक बार मिक्स हो जाएंगे इन्हें दोबारा आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेगेटिव मिक्सर के। नेगेटिव मिक्सर हमेशा इमिसिबल लिक्विड से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, जैसे आपका सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ये ऐसे आपके ये आपके ऐसे सॉल्यूशन है जिसे आप वर्क लगा के या सस्पेंडिंग एजेंट लगा के मिक्स करते हो। लेकिन जैसे ही आप वर्क को हटा लोगे तो ये दोबारा सेपरेट आउट भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल मिक्सर। ये मुख्यतः स्थिर होते हैं और बहुत तेजी से बन जाते हैं। ये ना तो बहुत जल्दी से मिक्स होते हैं और ना बहुत जल्दी सेपरेट होते हैं, जैसे पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड की। लिक्विड की मिक्सिंग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, दूसरी मिक्सिंग ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, एक तो दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो उनकी मिक्सिंग, एक जो दो लिक्विड आपस में इमिसिबल हो और दो लिक्विड लिक्विड, दूसरी मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सोल्यूबल सॉलिड हो या लिक्विड और इनसोल्यूबल सॉलिड हो जिससे आपका सस्पेंशन बनता। अब लिक्विड मिक्सर में दो तरह के मिक्सर यूज होते हैं, एक प्रोपेलर मिक्सर और एक टर्बाइन मिक्सर। टाइप ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सर में एक प्लेनेटरी मिक्सर और एक ट्रिपल रोलर मिक्सर, और टाइप ऑफ पाउडर मिक्सर में आपका एक टम्बलर मिक्सर और एक एजिटेटर पाउडर मिक्सर। टम्बलर मिक्सर में आपका यूज होता है क्यूबिकल ब्लेंडर, वाई कोन ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा पाउडर मिक्सिंग में इस्तेमाल होता है। होमोजिनाइजर, होमोजिनाइजर आपके तीन टाइप के होते हैं, हैंड होमोजिनाइजर, सिल्वरसन मिक्सर इमल्सीफायर और ओलाइड मिक्सर। थैंक यू वेरी मच। कल हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मिक्सर के बारे में, लिक्विड मिक्सर के, आपके पाउडर मिक्सर के और आपके सेमी सॉलिड मिक्सर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।